पीटीआई भर्ती 2013 का नोट ज्वाइनर 421 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित नहीं होने से परेशान अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया और धरना दिया। बेरोजगार पीटीआई अभ्यर्थी हरिराम ने बताया कि पीटीआई की भर्ती के लिए आरपीएससी ने वर्ष 2013 में परीक्षा करवाई थी, जिसमें 421 पद अभी भी रिक्त हैं, जिसका परिणाम 5 महीने से आरपीएससी ने रोक रखा है। 5 महीने में बेरोजगार पीटीआई अभ्यर्थी कई बार आरपीएससी के चक्कर लगा चुके हैं और इस बार ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन विभाग इस विषय में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। इसी बात को लेकर राजस्थान भर से आए बेरोजगार पीटीआई अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थियों ने जल्द परिणाम जारी करने की मांग को लेकर आरपीएससी के पास धरना दिया, मांगे नहीं मानने पर आंदोलन को तेज करने की बात कही। सभी राजस्थान के बेरोजगार सारी शिक्षक हमारी 421 अधिक पदों की मांग को लेकर हम धरना दे रहे हैं और हम इसके लिए हमने कई बार आरपीएससी को ज्ञापन दिया और हमारे राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ साहब से भी हमने फोन करवाया, लेकिन आज तक 4 महीने हो चुके हैं, आरपीएससी के काम पर जो तक नहीं लगी है। हमारी मांग है कि अतिशीघ्र पीटीआई भर्ती 2013 को अतिशीघ्र पूरा किया जाए और हमारे 421 रिक्त पद जो नोट जमेंगे थे उनको पूरा किया जाए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जलन अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। सोमवार को अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने 1 घंटे काम का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विरोध जताने का अलग तरीका अपनाया और हाथों में झाड़ू लेकर अस्पताल परिसर की सफाई की। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी जारी रखी। नर्सिंग कर्मियों ने टोली बनाकर अस्पताल के कई हिस्सों में सफाई की और सरकार को चेताया कि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो जल्द ही आंदोलन तेज होगा। नर्सिंग कर्मी नर्सेज के 6,822 पद विलोपित करने का विरोध कर रहे हैं।